नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का जयपुर का दौरा। जी हां, देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति मैक्रों पहुंच चुके हैं जयपुर। देखिए दिल्ली न उतर के सबसे पहले वह जयपुर गए हैं, तो बड़ी खबर, राष्ट्रपति मैक्रों का पीएम मोदी स्वागत करेंगे, टूरिस्ट प्लेस विजिट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मैक्रों को पीएम मोदी देखिए किस तरीके से जंतर मंतर दिखाएंगे गणतंत्र दिवस समारोह में, बतौर चीफ गेस्ट मैक्रो शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधी तस्वीर विमान से किस तरीके से पहुंच चुके हैं, सबसे पहले जयपुर पहुंचे हैं। देखिए भजनलाल शर्मा मौजूद वहां पर, राजस्थान के सीएम, इसी के साथ स्वागत किया गया है अगवानी, जयशंकर प्रसाद वहां मौजूद हैं। देखिए तीन दशक से किस तरीके से फ्रांस की जो दोस्ती है भारत के साथ लगातार मजबूत बनी हुई है। आपको बता दें पोखरण में जब किस तरीके से परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, सभी, चाहे वो अमेरिका की बात हो या अन्य देशों की बात हो, सभी कहीं ना कहीं पाबंदियां लगाने पर आतुर थे, लेकिन फ्रांस उस वक्त एक ऐसा राष्ट्र था जिसे साफ तौर पर आपको बता दें, एक ऐसा देश जिसने भारत का साथ दिया। 30 साल की दोस्ती देखिए किस तरीके से और आगे बढ़ती हुई और मजबूत होती हुई। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मैक्रो पहुंच चुके हैं। आज सबसे पहले वह जयपुर पहुंचे हैं, जयपुर के बाद आपको बता चुके वो पहुंच गए हैं आमेर का किला, हवा महल सबसे पहले जाएंगे और तमाम जो गणमान्य हैं उनको रिसीव करने के लिए पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद, भजनलाल शर्मा, तमाम वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं अगवानी करने के लिए। तो आमेर किला, हवा महल जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनकार के बाद, आपको बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर वे शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का दौरा बेहद खास, जयपुर में आमेर महल जाएंगे, आमेर का किला जाएंगे, हवा महल जाएंगे, बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस में वे शामिल हो रहे हैं। 2 दिन के राजकीय दौरे पर हैं इमैनुअल मैक्रों, और भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते काफी प्रगाढ़, काफी मजबूत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस को विजिट करेंगे मैक्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली में जंतर मंतर भी दिखाएंगे। सबसे पहले जयपुर पहुंचे हैं, जयपुर में तमाम हिस्टोरिकल पैलेस को घूमते हुए फिर कल बतौर मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस की शोभा भी बढ़ाते नजर आएंगे। तो 2 दिन का उनका राजकीय दौरा बेहद खास है, 3 दशक में फ्रांस और यूरोप में सबसे मजबूत साझेदार बनके उभरा है। देखिए रूस के साथ जिस तरीके संबंध प्रगाढ़ हैं भारत के, ठीक उसी तरीके से फ्रांस के साथ रिश्ते और भी बेहतर हैं। तो पिछले 3 दशक में फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे मजबूत साझेदार बनकर उभरा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूस के बाद कहा जाता है कि वह भारत का सबसे बड़ा दोस्त है। 2 देशों के बाद आपसी रिश्तों के कारोबारी रिश्तों की शुरुआत भी हुई थी 1996 में, जब खुलकर भारत के पक्ष में फ्रांस सामने आया था। तो फिलहाल देखिए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है इमैनुअल मैक्रों का आमेर का किला, हवा महल आज सबसे पहले विजिट करेंगे, घूमेंगे, इसके बाद, और इसी के साथ आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति का किस तरीके से स्वागत किया गया, राष्ट्रपति मैक्रों का पीएम मोदी भी स्वागत करें, और इसी के साथ देखिए टूरिस्ट प्लेस विजिट करेंगे मोदी और मैक्रों। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक देखिए इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर, आज के कार्यक्रम की हम बात करते हैं, तो आज का क्या कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है?
देखिए बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी लगभग जो है 4:30 बजे आएंगे और मैक्रोन जो है वो पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट और उसके बाद जो है वो आमेर जाएंगे। मैं इस वक्त बड़ी चौपड़ हूँ और मेरे सहयोगी सुनील आपको ये व्यवस्थाएं जो है वो आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो गुलाबी नगरी जयपुर है वो आप देखेंगे, बड़ी चौपड़ का ये जो रास्ता है, यहाँ से जो मेरे जो सहयोगी है उनके ठीक लेफ्ट में जो है ये हवा महल है, तो यहाँ से हवा महल से यहाँ पर जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति और देश के पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आएंगे, हवा महल का दीदार करेंगे, चाय पीएंगे, उसके बाद रोड शो जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी चौपड़ है, यहाँ से रोड जो है वो निकलेगा और रोड शो निकलते त्रिपोलिया बाजार जाएगा, न्यू गेट जाएगा, बापू बाजार जाएगा और उसके बाद जो है सांगानेरी गेट पर जो है रोड शो वो संपन्न हो जाएगा। यानी कि यूं मान सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर 700 मीटर का रोड शो है वो यहाँ पर रहने वाला है। दोनों ही देश के जो बड़े ताकतवर जो नेता है वो यहाँ पर जो है रोड शो जो है वो यहाँ पर करेंगे और कहीं ना कहीं विश्व हेरिटेज जो मैं शुमार है जयपुर है इसके यहाँ पर जो है दीदार यहाँ पर किए जाएंगे और एक तरह से संदेश यहाँ से निकलेगा कि किस तरह से भारत की ताकत जो है वो कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर मजबूत है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है आज यहाँ पर जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद जो है कल वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के अंदर उनको मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। जो पूरी तरह से कहे कि भारत हमेशा से ट्रेडिशन में हमेशा से फेमस है और दशक से किस तरीके से हम कह सकते हैं दीपक संबंध मजबूत है। जब 1996 में किस तरीके से पोखरण हुआ था, हमने पोखरण का उस वक्त परमाणु टेस्ट परीक्षण किया था, तब सभी देश हमारे खिलाफ हो गए थे लेकिन फ्रांस हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था और ये दोस्ती की तस्दीक ही है। अच्छा, जिस रोड शो का हम जिक्र कर रहे हैं, कितना लंबा रोड शो होगा, तमाम प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम वीवीआईपी आज मौजूद जयपुर में। देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं मेरे सहयोगी आपको वो रोड शो वो जो तैयारियां है वो यहाँ पर आपको दिखाने वाला है। आप पुलिसकर्मी देखेंगे इस पूरे रोड शो में लगभग 17 IPS और लगभग 6,000 पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और मान सकते हैं कि देश के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई चूक ना हो तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से इसको पैक्ड कर दिया है। पूरे दो डबल जो बैरिकेडिंग है जो है यहाँ पर लगा दिया गया है, जो आम जन है वो केवल ये है केवल इसी के अंदर आम जन जो है वो खड़े रहेंगे और यहाँ से वो जो है पुष्प की वर्षा कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के राष्ट्रपति के दीदार कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत ज्यादा व्यस्त जो है ये गुलाबी नगरी है, आप ये देखेंगे कि इनका कलर देखेंगे पूरा गुलाबी है, जो बिल्डिंग्स है वो आपको पिंक नजर आएंगे, कह सकते हो कि भगवा यहाँ पर जो है भगवा जो झंडे है वो यहाँ पर दिखेंगे, तो कह सकते हो कि पूरी तरह से अपने दोनों ही नेताओं का स्वागत करने के लिए जयपुर पूरी तरह से तैयार है, मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मान सकते हैं कि एक पचरंगी जो साफा है वो भी यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए मंगाया गया है। खबर ये भी आ रही है कि यहाँ से ठीक आगे जो है वो चाय है, वहां पर चाय भी पी सकते हैं और हवा महल के यहाँ पर तो बिल्कुल तय मानिए कि हवा महल के यहाँ पर दोनों ही जो नेता है वो यहाँ पर बैठेंगे, चाय पियेंगे, उसके अलावा चर्चा करेंगे। लगभग जो है अब से जो है फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं जयपुर और अभी आमेर जाएंगे, लगभग 1.5 से 2 घंटा वो आमेर रहने वाले हैं, उसके बाद। अच्छा, रोड शो की हम जिक्र करते हैं, कितना लंबा रोड शो होगा ये, मतलब यदि हम किलोमीटर्स देखा जाए तो कितना लंबा रोड शो होगा जो कितने कितने क्षेत्रों को कवर करता हुआ निकलेगा? देखिए बिल्कुल 1 किलोमीटर 700 मीटर यानी कि लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड शो है वो यहाँ पर रहने वाला है। हवा महल से ये रोड शो है वो शुरू होगा, हवा महल से ये त्रिपोलिया बाजार पहुंचेगा, वहां से न्यू गेट पहुंचेगा, न्यू गेट से बापू बाजार पहुंचेगा और बापू बाजार से वो सांगानेरी गेट पहुंचेगा। मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो अब से जब विधानसभा जब चुनाव था तब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी चार दीवारी में जो है रोड शो किया था और उस रोड शो का इम्पैक्ट आया था कि यहाँ के आसपास की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो पीएम भाजपा ने जो जीती थी, यानी कि रोड शो का इम्पैक्ट रहा था और रोड शो को इसलिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है क्योंकि अब से 2 से 3 महीने बाद जो है यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में हमेशा से ही भाजपा ने 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीती है, तो कह सकते हो कि एक तरह से एक एक पंथ दो काज, यानी कि एक एक साथ। अच्छा, क्या दीपक यही वजह है एक पंथ दो काज वाली कि दिल्ली नहीं उतरा राष्ट्रपति मैक्रों का विमान, जयपुर सबसे पहले आया है, सबसे पहले उन्होंने जाहिर किया कि वह जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जो हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं उनको घूमा जाएगा जयपुर के, ये एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं। कल 26 तारीख में बतौर मुख्य अतिथि वह गणतंत्र दिवस में भी शामिल होंगे।
देखिए बिल्कुल, फ्रांस के राष्ट्रपति दिल्ली आए हैं और शायद जो है वो राजस्थान जयपुर में पहली बार आ रहे हैं और ज्यादा दूरी नहीं है दिल्ली की जयपुर की। देखो यही बात, वही मैं आपसे कह रही हूँ, सबसे पहले विमान जो है जयपुर उतरा, तो जयपुर वासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, राजस्थान के लिए भी खुशखबरी है इससे। दीपक देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने कहा कि राजस्थान और हम जयपुर वाले मारवाड़ी लोग हैं, हम तो मेहमान नवाजी के लिए वैसे ही फेमस है और पलक पावड़े जो है बिछाकर बैठे हैं और हमारे यहाँ पर कहते हैं कि अतिथि देवो भव, हमारे लिए भगवान की तरह वो जो अतिथि वो होते हैं और इसीलिए आज जो है पूरा जयपुर जो है वो सज चुका है। दिवाली पर सजा था, उसके बाद 22 जनवरी को बहुत अच्छा सजा था और आज उसी की तर्ज पर आज फिर से बहुत अच्छे से सज चुका है और पूरी तरह से जयपुर पूरी तरह से तैयार है। और कह सकते हो कि अब मेरे को लगता है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे तो वो शायद एक बार नहीं आएंगे, वो दोबारा जरूर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ के मेहमान नवाजी, यहाँ का जो साफा है, यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, यहाँ का जो कल्चर है और जब शाम को जब वो खाना खाएंगे दाल बाटी चूरमा, मुझे लगता है जो एक बार दाल बाटी चूरमा राजस्थान का जयपुर खाने का जिक्र कर दिया तो जरा ये बता दीजिए, दाल बाटी चूरमा तो बहुत जाहिर सी बात है राजस्थान की फेमस डिश है, इसके अलावा और क्या सर्व किया जा सकता है, कुछ ऐसा मेन्यू आपके पास आया हो तो? देखिए बिल्कुल, दाल बाटी चूरमा है और इसके अलावा राजस्थान का ट्रेडिशनल सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, उसके अलावा लहसुन की चटनी भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये जो वो खाना है जो एक बार जो स्वाद चख लेगा ना वो बार बार जो है आने की यहाँ पर कोशिश करेगा। तो निश्चित तौर पर आज दोनों ही देश विश्व के बड़े जो नेता है वो आज जयपुर में रहेंगे, जयपुर की मेहमान नवाजी को एक्सेप्ट करेंगे, कबूलेंगे और विश्व हेरिटेज में शुमार है जयपुर, हवा महल जंतर मंतर, विश्व से हवा महल जंतर मंतर और इसके अलावा आमेर का किला, ये तीनों जो है वो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आज जो है जयपुर भी कह सकते हो कि अपने आप को काफी प्राउड फील कर रहा है कि वो विश्व के दो सबसे बड़े नेता का जो है यहाँ पर जो है स्वागत कर रहा है और कह सकते हो कि पूरी तैयारियां कर चुकी है और तमाम जो व्यवस्था है रूट लाइनिंग है वो तमाम देख लिए, अब बस इंतजार है कार्यक्रम के शुरू होने का। बिल्कुल, चलिए दीपक आपके पास वापस हम लौटेंगे, खबर पर वापस बनेंगे भी, बहुत शुक्रिया अभी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर रहे, जी हाँ बुलंदशहर से पीएम मोदी का चुनावी शंखरा, जहां पीएम मोदी बुलंदशहर को 19,000 करोड़ रुपए की सौगात से नवाजा है, जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को याद किया, कल्याण सिंह जहां भी हैं आनंदित हो और आनंदित हो रहे होंगे, ये तमाम बातें कहते नजर आए। यमुना और राम गंगा की स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। मैं बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी मेरे परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने रामकाज और राष्ट्रकाज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वो जहां है अयोध्या धाम को देखकर बहुत आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है।
चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। नीतीश कुमार के परिवारवाद वाले बयान पर बवाल हो गया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पलटवार कर दिया। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर कटाक्ष किया था, जिसमें सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया था। कर्पूर ठाकुर को भारत रत्न देने पर उनकी जमकर तारीफ की थी और उसी के बीच लगातार 3 ट्वीट करती हुई नजर आई रोहिणी और कई तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है आरजेडी और जेडीयू के बीच में? तो फिलहाल बहुत जल्द तस्वीर भी साफ होगी, लेकिन इन तमाम ट्वीट के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से रार है। हम ट्वीट आप तक फ्लैश कर रहे हैं, ट्वीट को जरा देखिए, ये एक्स पर पोस्ट की गई है, जरा देखिए, जानिए। समाजवादी पुरोधा होने का करती रही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा है, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खोट हो। तीसरा ट्वीट देखिए, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो अब समझिए इशारों इशारों में क्या कुछ रोहिणी कहना चाह रही हैं। और ये तब हुआ जब मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की पेशकश कर दी, उसके बाद इधर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को लूट रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। के आधार पे सत्येंद्र जैन अब इनकी इलाज चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इस क्लासरूम घोटाले के रूप में इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा अपराध किया। 999 करोड़ को जो इन लोगों ने बांटा था 16 टुकड़े में, उसको 65 टुकड़े में बांटा और उसको सीधे डबल कर दिया। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में अगर एक क्लासरूम का 27 करोड़ रुपए का बजट, एक स्कूल में पढ़ता था 27 करोड़, तो इन लोगों ने एक बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स और एक तेवतिया ग्रुप, जो इनका ये जो राजमहल बनाने में जो अभी केस चल रहा है, उनको बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी टेंडर के, उसको पर स्कूल 27 करोड़ की जगह 54 करोड़ में करके दे दिया। दिल्ली के लोगों का पैसा। तब हम पूछना चाहते हैं कि 5 लाख में बनने वाला कमरा 33 लाख तक पहुंच गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस मौके पर समारोह का आयोजन हुआ। मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम में यह समारोह रहा। दिल्ली सरकार ने इस समारोह का आयोजन किया था, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। सीएम केजरीवाल ने लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की थी, संबोधित किया। संबोधित करते नजर आए। जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। और कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बीजेपी में पूर्व सीएम की वापसी हो गई है। जेपी नड्डा से मिले जगदीश शेट्टार, आपको बता दें लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। पिछले साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना पाला बदल दिया था।
कर्नाटक के पूर्व सीएम है जगदीश शेट्टार। तो आपको जैसे कि बता रहे थे, लिंगायत समुदाय के बड़े तौर के नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। हालांकि अब इससे कहीं ना कहीं शेट्टार के वापस आने से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मजबूती जरूर मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का झटके के तौर पे देखा जा सकता है। ये तस्वीर देखिए जरा आप, बेहद खास। एक बार फिर से बीजेपी में शामिल, 7 महीने पहले पिछले साल कर्नाटक चुनाव में, आपको बता दें ठीक एंड पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था। ग्वालियर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण की सूचना मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वार्ड नंबर 6 के पार्वती नदी के पास प्रशासन ने लगभग 1 दर्जन घरों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन की देर रात की कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो ग्वालियर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तस्वीर जरा आप देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन इस वक्त किया गया। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।